पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो। नमो 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 पाप से लड़ो लड़ो आगे तुम बढ़ो बढ़ो। मंच पर आगमन हो गया है। कर्तव्य ध्वनि से मातृशक्ति उनका स्वागत, जोरदार कर्तव्य ध्वनि से माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत। फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। काशी की प्रत्येक मातृशक्ति की उपस्थिति मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया है,
मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। ऐसे गंगा पुत्र, काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो चुका है। काशी की प्रत्येक मातृ शक्ति की ओर से बारंबार वंदन अभिनंदन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का द्वारा अंग वस्त्र से स्वागत कर फिर एक बार नमः पार्वती पते हर हर महादेव। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा महिला मोर्चा आदरणीय गीता शाक्य जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री आदरणीय अर्चना मिश्रा जी द्वारा पुष्पगुच्छ देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए फिर एक बार ये आगाज है अब की बार 400 पार का। माननीय प्रधानमंत्री जी को मातृशक्ति द्वारा संघ स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट करते हुए मैं स्वागत संबोधन के लिए उत्तर प्रदेश की महिला मोर्चा की अध्यक्षा माननीय गीता शाक्य जी को आमंत्रित करती हूं। कृपया स्वागत संबोधन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपका माँ गंगा की पावन भूमि काशी विश्वनाथ की धरती पर आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन करती हूँ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करती हूँ। मंच पर सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ और सामने बैठी बड़ी संख्या में हमारी मातृ शक्ति को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आप पहली बार काशी पर चुनाव लड़ने आए थे, आपने कहा था कि ना मैं आया हूँ ना मुझे किसी ने भेजा है, मैं तो गंगा माँ के ने बुलाया है। माँ गंगा के रूप में आपने जिस माँ शब्द का प्रयोग किया था, माँ शब्द देश की संपूर्ण मातृ शक्ति को सम्मानित करने के भाव से कहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज पुनः आप जब दूसरी तीसरी बार माँ गंगा की सेवा करने आए हैं, तब मातृ शक्ति को सशक्तिकरण करने के लिए आप अपने वास्तविकता भाव की ओर बढ़ रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने काशी सहित उत्तर प्रदेश की मातृ शक्ति को सम्मानित किया है। मैं उत्तर प्रदेश की मातृ शक्ति की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जिस प्रकार से आपने अपनी गारंटी यानी मोदी की गारंटी से देश के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है, वो किसी से छुपा नहीं है। मोदी की गारंटी से मातृ शक्ति को सांसद और विधानसभा में आरक्षण देने का काम किया है, उनको सशक्त करने का काम किया है। आज यहाँ पर उपस्थित नारी शक्ति अपने भाई को गारंटी देती है कि इस बार 10 लाख से अधिक वोटों से आपको जिताकर संसद में भेजने जा रही है। पूरे देश की मातृ शक्ति आपको गारंटी दे रही है कि इस बार 400 से अधिक संकल्प लेकर देश की सभी मातृ शक्ति आपको प्रधानमंत्री के रूप में बनाकर लगातार बड़ी मेहनत से काम कर रही है। मैं पुनः मातृ शक्ति की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन नमन करती हूँ और भारत माता की जय। हमार मोदी, हमार काशी, फिर एक बार। माननीय
मछली शहर के सांसद प्रत्याशी आदरणीय वीपी सरोज जी को आमंत्रित करती हूं कि अपना संबोधन करें। पूरे देश के ही नहीं पूरे दुनिया के लोकप्रिय जनप्रिय इस देश का गौरव और मान सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ाने वाले इस देश के गांव गरीब किसानों को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस देश के करोड़ों निर्बल असहाय गरीब किसानों के मसीहा, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से आपके अपने काशी में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत करता हूं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं अपने मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए स्वागत करता हूं। मंच पर सम्मानित मंच सम्मानित हमारी जितने भी यहां पर मातृशक्ति के रूप में हमारी माताएं बहनें उपस्थित हैं, आप सभी का भी मैं मछली शहर लोकसभा की जनता की तरफ से आपके काशी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन बंदर करता हूं, स्वागत करता हूं बहनों। और मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से आप लोगों ने आशीर्वाद दिया हुआ है, 2014 से 24 के बीच में जो देश में जो कार्य हुए हैं, मैं समझता हूं कि इन 65 वर्षों में इतने कार्य नहीं हुए हैं जितना हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी इन 10 वर्षों में कार्य करने का काम किया है। चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सुरक्षा हो, हर पहलू पर विशेष कार्य किया है। मैं 2014 के पहले का काशी और अभी का काशी, जो भी देश से दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं काशी दर्शन करने के लिए आते हैं, दिव्य काशी भव्य काशी देख करके आपको दिल से दुआ और आशीर्वाद देने का काम करते हैं। मैं यही बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करूंगा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा आप पर बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी तरह देश के ऊपर जो आपकी कृपा बनी है, हमारे मछली शहर लोकसभा पर भी आपकी कृपा बनी रहे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, सांसद प्रत्याशी चंदौली, आपको आमंत्रित करती हूँ, कृपया अपना संबोधन दें। हर हर महादेव। हमार काशी हमार मोदी, इस नारे के अभिनंदन के साथ मातृशक्ति वंदन के इस कार्यक्रम में माननीय नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि अभिनंदन, कोटि कोटि वंदन। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी हृदय से सम्मान। मंचस्थ मातृशक्ति नेतृत्व, समक्ष मातृशक्ति नेतृत्व का कोटि कोटि वंदन। मुझे इतना ही कहना है, मैं आज चंदौली संसदीय क्षेत्र के वाराणसी और गाजीपुर, वाराणसी और चंदौली के दोनों तरफ के मतदाताओं नागरिकों की तरफ से भी इस मातृशक्ति बंधन में माननीय मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। और इतना ही निवेदन करता हूं, भारत में, आजाद भारत में 14वें प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी। और भारत ही नहीं, दुनिया के राजनीति के इतिहास में अपने संसदीय क्षेत्र में इतनी बार आना, उससे प्रेम करना,
उसका जीवन स्वरूप सकल बदल के व्यापक परिवर्तन लाना, ऐसा भारत में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ, कोई दुनिया में ऐसा नेता नहीं है। ऐसे विश्वप्रिय नेता मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और नारी शक्ति को देख के रोक नहीं पा रहा हूँ, मोदी जी के पदार्पण 14वें भारत के इस पद पर आने के पूर्व यहाँ भारत में अटल जी के कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो लटकाना भटकाना बहकाना की राजनीति, स्वयं नारी शक्ति को 33% आरक्षण देने के मुद्दे लटकाए भटकाए, संसद में प्रतियां फाड़ी गईं, लेकिन मोदी जैसे महान नेता ने भारी बहुमत के साथ इतनी मातृशक्ति को सही सशक्तिकरण दिया। ऐसे मातृशक्ति अभिनंदन के कार्यक्रम में ऐसे मातृशक्ति को बल और सम्मान देने वाले मोदी जी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन है। और संपूर्ण काशी, संपूर्ण प्रदेश, संपूर्ण देश आपकी अगुवाई में 400 पार की सीटों के साथ अमृतकाल में विकसित होते भारत की परिकल्पना से आपका अभिनंदन करता है, वंदन करता है। हम सब आह्लादित हैं, हम सब आपके निकटवर्ती, हम मछली शहर और चंदौली के लोग भी आपका आशीर्वाद पाते हैं। हम सबके जीवन का अत्यंत विशेष सौभाग्य है, समस्त भारतवासियों का सौभाग्य है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मोदी जी को कोटि कोटि वंदन, सादर प्रणाम। हम सबके बीच उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन हम सभी के बीच। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, गंगे मैया की, गंगे मैया की, नमः पार्वती पतये हर हर। भारत के अंदर सांस्कृतिक जागरण के पुरोधा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उन्हीं की काशी में आप सभी मातृशक्ति की ओर से, प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से, आदि आबादी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के चंदौली लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, मछली शहर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बीपी सरोज जी, महिला मोर्चा की प्रदेश की अध्यक्ष श्रीमती गीता साक्य जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती अर्चना मिश्रा जी, मंच पर उपस्थित सभी मातृशक्ति और काशी के आज के इस नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित सभी विभिन्न वर्गों से जुड़े हुए, अलग अलग सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी उपस्थित मातृशक्ति, आप सभी का भी मैं इस समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि पिछले 10 वर्ष में भारत की सरकार के एजेंडे में बड़ी प्रभावी ढंग से देश की आधी आबादी को स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जिन 4 जातियों की चर्चा की, उनमें से गरीब है, महिला है,
अन्नदाता किसान है और नौजवान है, तो उसमें से महिला को भी उन्होंने इस जाति में शामिल करके सम्मान दे करके 2014 के बाद से आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लेकर के मातृवंदना अभियान से लेकर के, और आज देश की नई संसद में जिस महत्वपूर्ण अधिनियम को पारित करके आधी आबादी को देश की विधायिका में, देश की संसद और देश की विधानसभा में भी उन्हें प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हो, इसके लिए भी काशीवासी, प्रदेशवासी और देश की आधी आबादी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। बहनों, हम सब इस बात को जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर क्या स्थिति थी। बेटी असुरक्षित थी, बहनें असुरक्षित थी, उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा था, कहीं तीन तलाक के नाम पर प्रताड़ना होती थी और कहीं पर उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने में संकोच होता था। लेकिन पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक और भारत आज दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में दुनिया के सामने अपनी पहचान दिखा रहा है, दूसरी ओर सुरक्षित भारत के रूप में देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना हो या आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान करने का हो, देश के अंदर बिना भेदभाव के विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को भारत के अंदर रखकर उन्हें प्रभावी ढंग से अमली जामा पहनाने का कार्य हो और विकसित भारत की आधारशिला को मजबूती प्रदान करने का कार्य रहा हो, या गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से समाज के विभिन्न तबके को एक सम्मानजनक जीवन, खुशहाल जीवन जीने के लिए प्रेरित करने का कार्य रहा हो, हर एक तबके में नारी शक्ति के वंदन के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रभावी रूप से, प्राथमिक रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है आज जब 2024 का ये लोकसभा का चुनाव चल रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर हम जाते हैं, तो आधी आबादी का आशीर्वाद मोदी जी के साथ पूरी प्रभावी ढंग से आता हुआ दिखाई देता है। चारों ओर एक ही आवाज गूंजती है और वह आवाज है कि फिर एक बार अब की बार 400 पार। तो 400 पार की जब बात होती है तो आधी आबादी का पूरा आशीर्वाद इस अभियान में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को प्राप्त होता है। बहनों, हम इस बात को देखते हैं, ये काशी है 2014 के पहले का काशी और 2014 के बाद का काशी, पूरी तरह कायाकल्प हो गया है। एक दिव्य और भव्य काशी के रूप में, नव्य काशी के रूप में काशी आज इस बात पर गौरव की अनुभूति करती है कि हमने भी देश को एक यशस्वी प्रधानमंत्री देकर के दुनिया का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने की क्षमता रखने वाला नेता आज हमार काशी, हमार मोदी के संकल्प के साथ काशी की आधी आबादी भी अपना आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इन संकल्पों के साथ जुड़ी हुई है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाल करके आज काशी में आए हैं। मैं काशी वासियों की ओर से, आप सभी मातृशक्ति की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। फिर एक बार हम सब काशीवासियों के लिए सौभाग्य का अवसर है कि जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी काशी आते हैं,
अपने क्षेत्र की जनता अपनी मातृशक्ति से जरूर मिलते हैं। ऐसा सौभाग्य हम सबको बारंबार मिलता है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री, काशी के लोकप्रिय सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सबको आपका मार्गदर्शन मिले फिर एक बार। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। काशी में राजपाठ बाबा विश्वनाथ का है, लेकिन व्यवस्था माता अन्नपूर्णा ही चलाती है। ये पहली बार है जब हम काशी का नामांकन अपने मायके उपस्थिति के बिना कर ले है। माँ गंगा ही अब हमार माई है। मैंने इसलिए कहा था कि माँ गंगा ने पहले मुझे काशी बुलाया था, अब माँ गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। और इस आज आयोजन में इतनी सारी मातृशक्ति की मौजूदगी मुझे अभिभूत कर रही है। आप सभी समय निकालकर यहां आई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, मैं पार्टी के प्रचार में कितना भी व्यस्त होता हूं, लेकिन बनारस को लेकर हमेशा बहुत निश्चिंत रहता हूं। मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग संभाल रहते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं यही कहूंगा, इस गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिए। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के घरों में जाना होता है, गांवों में जाना होता है, बूथ पर जाना होता है। और इसलिए मेरा एक सुझाव है, कितना ही काम करिए लेकिन पानी बहुत खूब पीजिए, साथ में पानी हमेशा रखिए। और कभी भी बिना खाए घर से निकले नहीं। मेरा लंबे समय का अनुभव है, इसलिए मेरी सलाह आपको जरूर काम आएगी। माताओं बहनों, बीते 10 साल में पहली बार सरकार की नीतियों से लेकर निर्णयों तक हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं केंद्र में आई हैं। इस पर उतनी चर्चा भले ही न हुई हो, लेकिन ये भारत की सक्सेस स्टोरी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप बताइए, जब घर आपके बिना नहीं चलता तो देश आपके बिना कैसे चल जाता।
ये बात 60 वर्षों तक सरकारों को समझ ही नहीं आई। कांग्रेस सपा की सरकारों ने महिलाओं के साथ क्या किया? केवल उपेक्षा और असुरक्षा। साथियों, इंडी गठबंधन की मानसिकता ही महिला विरोधी है। इंडी गठबंधन वाले महिलाओं को आरक्षण का विरोध करते हैं। जहां इनकी सरकार आती है, महिलाओं का जीना दुभर हो जाता है। बनारस के लोग तो यूपी बिहार दोनों में रहे जंगल राज से परिचित है। बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल था। बेटियों को सुरक्षा के डर से पढ़ाई छोड़कर घर पर बैठना पड़ता था। और सपा वाले कहते थे और बेशर्मी से कहते थे, लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। आज सपा के लड़के जरा गलती करके दिखाएं, योगी जी की सरकार उनका वो हाल करेगी जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। माताओं बहनों, पहली बार केंद्र में ऐसी सरकार आई है जिसने महिलाओं के सम्मान की चिंता की, उन्हें इज्जत घर दिए। इसके लिए मजाक उड़ाते कि मोदी टॉयलेट करता रहता है, टॉयलेट बनाने में लगा है। 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, मेरी करोड़ों करोड़ों माताओं का मैंने इज्जत घर बनाया है। लेकिन मुझे पता था मेरी बहन बेटियों के लिए इसकी कितनी बड़ी जरूरत थी। मोदी ने गरीब से गरीब महिलाओं के लिए बैंक खाते खुलवाए और वो भी 1 रुपये के खर्च के बिना, ताकि उन्हें जो भी पैसा मिले वो सुरक्षित रह सके। मोदी ने करोड़ों पीएम आवास, 4 करोड़ से ज्यादा घर बनाए, लेकिन उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करवाई, ताकि करोड़ों माताएं घर की मालकिन बनी है। अब महिलाएं भी संपत्ति की मालकिन बन रही है। ये बस योजना ही नहीं थी, इससे नारी शक्ति को नया आत्मविश्वास मिला। यही मेरा मिशन था, यही मेरी सोच थी। माताओं बहनों, कांग्रेस की सरकारों की पहचान एक गाने से खूब होती है, और वो गाना बहुत पॉपुलर रहा है, महंगाई डायन खाए जात है। कांग्रेस आई, महंगाई लाई। कांग्रेस सरकार रही होती तो आज आपकी रसोई का बजट 2 गुना 3 गुना बढ़ चुका होता। लेकिन ये भाजपा है, एक गरीब का बेटा मोदी है, मोदी लगातार प्रयास करता है कि आपके खर्चे कम हो और आपकी बचत ज्यादा बढ़े। मोदी ने मुफ्त राशन की योजना चलाई हुई है, ताकि
गरीब का एक घर का चूल्हा जलता रहे। इससे हर परिवार के साल में करीब करीब 12,000 रुपये बच रहे। आपको जो उज्ज्वला का सिलेंडर मिलता है उसमें भी प्रति सिलेंडर आपको 300 रुपये से ज्यादा की बचत हो रही है। बनारस में करीब 40,000 घरों में अब पाइप से रसोई गैस की सप्लाई होती है। बहुत जल्द ही 80,000 से ज्यादा घरों को भी पाइप से गैस मिलने वाली है। इससे भी आपकी बचत बढ़ेगी। माताओं बहनों, पिछले 10 साल में बनारस के 3 लाख से ज्यादा लोगों का यह आंकड़ा जो कोई सुनेगा तो उनको आश्चर्य होगा कि एक सांसद जब समर्पित भाव से काम करता है तो कितना बड़ा काम कर सकता है। आपको जानकर खुशी होगी, एक सांसद के नाते मैंने एक काम के पीछे पड़ा, मैं लगातार करता रहा। हमारे काशी में 3 लाख से ज्यादा लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। ये छोटा काम नहीं है। और हमें पता है मोतियाबिंद के हर ऑपरेशन में कम से कम 10,000 का खर्चा होता है, यानी 2 आंख का 20,000। मोदी ने यहां 3 लाख परिवारों के 10,000 रुपये बचाने का पवित्र काम किया है। यहां जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट, 80% छूट के साथ सस्ती दवा मिलती है। 100 रुपये की दवाई 10 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपये में मिल जाती है। सस्ती दवा से भी बनारस के लोगों का करोड़ों रुपया खर्च होने से बचा है। यहां बनारस में 90,000 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं को पीएम मातृ वंदना योजना का भी लाभ मिला है। इसके तहत हर गर्भवती महिला को पोषण के लिए 6,000 रुपये सीधे मोदी सरकार उनके बैंक में खाते में जमा कराती है। माताओं बहनों, आयुष्मान भारत योजना से बनारस के 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने मुफ्त इलाज कराया है। अब हम जानते हैं हमारे परिवारों में कितनी बीमारी क्यों न हो, कितनी ही पीड़ा क्यों न होती हो, लेकिन माताएं बहनें काम करती रहती हैं, घर में किसी को बताती नहीं है। दर्द सहती है क्योंकि उनके मन में रहता है कि बीमारी के कारण अस्पताल जाएंगे, बहुत बड़ा खर्चा हो जाएगा और अपने बच्चों के सर पे कर्ज लग जाएगा, और इसलिए माताएं बहनें सहन करती हैं लेकिन बच्चों पर बोझ नहीं होने देती हैं। ये दर्द मैं जानता था, और जब आपका बेटा दिल्ली में बैठा तो मैंने तय किया अब मैं जे किसी मां को ये पीड़ा सहन नहीं करनी पड़ेगी, अस्पताल का पूरा खर्चा ये आपका बेटा मोदी उठाएगा। और बनारस में जिन लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है अब तक करीब करीब उनका 200 करोड़ रुपया जो अस्पताल में खर्च होने वाला था वो बच गया है,
क्योंकि वो खर्चा मोदी ने किया है। और अब तो मोदी ने ये भी तय किया है कि हमारे देश में, हमारे काशी में, किसी भी परिवार में 70 साल की ऊपर के जो भी माता पिता दादा दादी चाचा चाची नाना नानी जो भी होंगे, अब उनके खर्चे की जिम्मेवारी भी, अस्पताल में इलाज की जिम्मेवारी 5 लाख रुपया तक मुफ्त इलाज, ये आपका बेटा मोदी करेगा। आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवाइए, बाकी सब मोदी पर छोड़ दीजिए। माताओं बहनों, मोदी ने कुछ महीने पहले ही पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। यहां बनारस में 2000 से ज्यादा घरों में सोलर प्लांट लग चुका है। इससे भी लोगों के बिजली बिल में महीने के 2 से 2500 रुपये बच रहे हैं, मतलब साल का 25 से 30 हजार रुपया बच रहा है। 4 जून के बाद आपके आशीर्वाद से जब नई सरकार बनेगी तो इसका विस्तार होगा और हर परिवार को 75 हजार रुपया ये सोलर पैनल के लिए दिया जाएगा और आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। माताओं बहनों, इंडी गठबंधन के नेता खुलेआम कहते हैं कि हिंदुओं में जो शक्ति है ना, वो शक्ति का मैं विनाश करके रहूंगा, शक्ति के विनाश की बात करते हैं। लेकिन 4 जून के बाद मोदी सरकार, वे तो शक्ति का विनाश चाहते हैं, मोदी आपकी शक्ति को महाशक्ति बना करके रहेगा। मैं लगातार आपके लिए काम कर रहा हूं, आपके आशीर्वाद से लगातार नई ऊर्जा मिलती रहती है, न थकता हूं न रुकता हूं, यही सपना लेकर चलता हूं कि मेरे 140 करोड़ देशवासियों के जीवन की मुसीबतें जितनी कम कर सकूं मैं निरंतर करता रहूं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 3 करोड़ नए घर बनाने की बात कही है। मेरा एक काम करोगे आप लोग, जरा हाथ ऊपर करके बताइए, मेरा एक काम करोगे, सबके सब हाथ ऊपर करके जोर से बताइए, मेरा काम करोगे, आपकी आवाज दूर तक जानी चाहिए, मेरा काम करोगे। अभी आप लोग लोगों के घरों में संपर्क के लिए जाते होंगे, मोहल्ले में जाते होंगे, छोटे छोटे इलाके में जाते होंगे, चाल में जाते होंगे, बस्ती में जाते होंगे, कहीं पर भी कोई परिवार अगर झोपड़ी में रहता है, कोई परिवार अगर कच्चे घर में रहता है, मेरी तरफ से उनको कह देना कि 4 जून के बाद उनको भी पक्का घर मिल जाएगा। ये मोदी की गारंटी है और इसलिए मैं 3 करोड़ नए घर बनाने की योजना लेकर के चल रहा हूं। माताएं बहनें, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को हम ड्रोन पायलट बना रहे हैं और मैं ऐसी महिलाओं को मिला, उसने कहा साहब हमको तो साइकिल भी नहीं आती थी, अब ड्रोन पायलट बन गए, पूरा गांव हमको पायलट करके बुला रहा है। और ये ड्रोन पायलट बहने हमारे देश में कृषि क्रांति का नेतृत्व करने वाली है। पहले मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए का लोन मिलता था और मुझे खुशी है
कि मुद्रा योजना का सर्वाधिक लाभ हमारी बहनों ने उठाया है। पहले 10 लाख देते थे, अब 20 लाख रुपया मिलेगा। आपके परिवार की चिंता करने वाले मोदी ने मुफ्त राशन योजना को भी 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। माताओं बहनों, अगले 10 दिन हमें काशी के घर घर जाना है। यहां जो हर तरफ विकास कार्य हुए हैं वो अभूतपूर्व है। काशी के घर घर में हमें इन विकास कार्यों की बात पहुंचानी है। इनसे यहां रोजगार के भी नए मौके बने हैं। पिछले 2.5 साल में 16 करोड़ से अधिक श्रद्धालु श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आए हैं। 16 करोड़ लोग आने से हर प्रकार का कारोबार बढ़ता है। आज पूरे बनारस में दुकानों का, जमीनों का, होटलों का, होमस्टे का रेट बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा बनारस के ही लोगों को हो रहा है। फूल बेचने वाला भी कमा रहा है, खिलौने बेचने वाला कमा रहा है, साड़ी बेचने वाला कमा रहा है, नाव वाला कमा रहा है, ऑटो रिक्शा वाला कमा रहा है, हर एक को। काशी में आपने देखा है आधुनिक बनास डेयरी खुल चुकी है, वो भी हमारे गांव के लोगों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है। इससे अकेले बनारस के ही 14,000 से ज्यादा पशुपालक जुड़े हैं। बनास डेयरी आने के बाद पशुपालकों की आमदनी सालाना 1.25 लाख रुपए से ज्यादा बढ़ी है। माताओं बहनों, बनारस में नारी शक्ति के लिए इतना काम हुआ है कि उसे बताते बताते देर रात हो जाएगी। आपने इतना समय निकाला, मैं आप सभी माताओं बहनों का आभारी हूं। लेकिन याद रखिएगा, हमें हर बूथ जीतना है, हर बूथ जीतना है। जीतेंगे जीतेंगे, हमें हर बूथ कमल खिलाना है। खिलाओगे? और ज्यादा से ज्यादा मतदान, मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। मैं एक आइडिया बताऊं आपको, मतदान ज्यादा से ज्यादा कैसे करोगे? हमारी बहनें बूथ में, एक एक बहन 25-30 बहनों को लेकर के निकले, थाली बजाते बजाते, ढोल बजाते बजाते, गाना गाते गाते पोलिंग स्टेशन पर जाए और 10 बजे के पहले एक पोलिंग बूथ में अगर हम 20-25 ऐसे जुलूस निकाल देंगे तो आप देखना, आपके पोलिंग बूथ का सबसे ज्यादा वोटिंग हो जाएगा। करेंगे आप लोग? जुलूस में जाएंगे, गाना गाते जाएंगे? माताओं बहनों, काशी की मातृशक्ति ये बार यहां रिकॉर्ड वोटिंग कराई ना। एक बार मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। काशी के स्नेह के लिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।